आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक गुजराती स्नैक्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर इसे ट्राई करके देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉडर्न फूडीज। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लगेगा 1 कप बेसन। पहले बेसन को अच्छे से छान लेना है। इसे अच्छे से छानने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून नींबू के रस, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून व्हाइट विनीगर। अभी इन सबको थोड़ा मिला लेना है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी देकर इसका एक बैटर बनाना है। मैंने यहाँ पर पानी को थोड़ा गर्म कर लिया है। इस बैटर को ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसी तरह विस्कर को एक ही तरफ घुमाना है और बैटर को स्मूथ बनाना है। ये देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी रखना है। अभी हमारा बैटर तैयार हो गया है। अभी इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं। 15 मिनट बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और उसके ऊपर एक स्टैंड रख देंगे। अभी गैस का फ्लेम मीडियम रख के इस कढ़ाई को हम ढक देंगे। इसी तरह 5 मिनट इसको रखना है। अभी उस बैटर की तरफ चलते हैं। अभी इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर और चिली का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक देकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी एक कटोरी लेना है। अभी थोड़ा सा ऑयल लेकर इसमें अच्छे से लगा लीजिए। आपके पास केक का टिन होगा तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो ऐसा कोई कटोरी आप ले सकते हैं। ऑयल को लगाने के बाद इसमें वो बैटर पूरा डाल दीजिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि बैटर को इसमें डालने के बाद इसमें थोड़ा जगह खाली होना चाहिए, क्योंकि जब ये बेक होगा तो उस जगह को ये ले लेगा। अभी इस कटोरी के थोड़ा हाथ से टैप कर देना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि पानी वो स्टैंड के ऊपर ना पहुँचे। अभी 5 मिनट हो जाने के बाद उस कढ़ाई का ढक्कन हम खोलेंगे। अभी इसमें उस कटोरी को बिठा देना है और कढ़ाई को लो से मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए ढक के रखना है। 20 मिनट हो गया है। अभी हम इसको खोल के देखेंगे। हमें इसे टूथपिक से चेक करना है कि ये पूरा अंदर तक बेक हुआ है कि नहीं। टूथपिक पूरा सूखा है, इसका मतलब ये पूरा बेक हो चुका है। आप इसे प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। उस टाइम प्रेशर कुकर का जो सीटी है उसे खोल के रख देना है। अभी हम इसको उतार लेंगे और आधे घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। वो ठंडा होगा, इसके बीच हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन पे 1 टीस्पून तेल देंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद इसमें बीच से कटा हुआ 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और उसके साथ 1/2 टीस्पून सरसों का बीज इसमें डाल देंगे। आपको इसे बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ये ऑयल में जाकर छोड़ता है। अभी इसमें 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अभी इसमें 1 टेबलस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून नमक और वो जो बचा हुआ पानी है उसको ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। आप इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी मिला लीजिए। अभी इसमें 1 पिंच हींग ऐड कर दीजिए, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना है। चीनी पूरा गल जाने के बाद इसको उतार लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आधा घंटा हो जाने के बाद ढोकला को कटोरी से निकालना है। उसके लिए उस कटोरी के मुंह पर एक प्लेट रखना है और उसे उल्टा करके कटोरी को थोड़ा टैप करना है। ढोकला ठंडा हो जाने के बाद ये कटोरी से आसानी से निकल के आ जाएगा। अभी इसको हम काट लेंगे। इसको बेकिंग के टाइम और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसका पानी ना सूख जाए। इसके लिए आपको थोड़ा ऊंचा स्टैंड यूज़ करना होगा ताकि आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकें। अभी इसके ऊपर तड़का को फैला देंगे। ढोकला या तड़का को जितना सोक करेगा उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये ढोकला बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बना है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। आप इसमें थोड़ा इनो भी मिला सकते हैं,
उससे ये और भी ज़्यादा फूलेगा और सॉफ्ट भी होगा। आपको ये रेसिपी कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे उत्साह देना, और इसी तरह इजी एंड टेस्टी रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सब नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।